मदद के लिए आ जाए हमारे पास, हमें सहयोग करने के लिए। ताजगंज से कोई भी दो आ जाए जी, आइएगा स्वागत के लिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा व्रति है क्या, पीछे खड़े हो जाए। और मैं राहुल विहार के अध्यक्ष श्रीमान पदम चंद्र जी जैन, डॉक्टर पवन जैन, श्री पारस बाबू जैन, श्री विशाल जैन और श्री ताराचंद जी जैन मंत्री से अनुरोध करूंगा आए और चित और दीप प्रज्वलन करके सभा को गति प्रदान करें। और आज का पाठ प्रक्षालन करता परिवार हमारे मध्य है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। स्वागत करेंगे, अनुरोध करेंगे मंच पर आने की कृपा करें और उनका भी स्वागत मंच की तरफ से करा जाए। रजनी जी कासलीवाल दिल्ली जो व्रति भी हैं, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। नीलमा जी जैन, सीमा जैन दिल्ली और श्रीमती अनीता जी दिल्ली, जरा जोरदार तालियां सभी के लिए। और कोटा से हमारे बीच श्री अशोक जैन जी सीए और श्रीमती अंजल जैन जी सीए हमारे मध्य पधारे हुए हैं, वह भी यहां पर आकर
खड़े हो जाएं पीछे और एक तस्वीर हम सम्मान स्वरूप आपकी लेना चाहेंगे। और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मित्रों सभी का हम स्वागत करेंगे। और भी अगर हमारे मध्य बाहर से अतिथि पधारे हों तो कृपया यहाँ पर आइएगा और हमारा स्वागत सत्कार स्वीकार कीजिएगा। माननीय मंत्री सुनील जी, आदरणीय अशोक जी, स्वागत के लिए सभी अतिथियों का स्वागत करें। भाई अतुल जी भी पधार चुके हैं दिल्ली से, कर दिया उनका स्वागत। सब जानते हैं अतुल जी अब आगरा वाले हैं, आगरा के दामाद हैं, बिल्कुल है। और हमारे मध्य आदरणीय स्वागत स्वीकार कीजिएगा। और हम चल रहे हैं प्रवचनों की ओर मित्रों। मेरठ से अंबिका जी दो प्रतिमाधारी हमारे मध्य मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत कराना चाहेंगे। इस बात के साथ मित्रों हम बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। पिछले 10 दिनों से पार्श कथा का अद्भुत आयोजन आगरा नगर में चल रहा है और जिस तरीके से आगरा नगर के लोग सैकड़ों की संख्या नहीं हजारों की संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ देर में यह पंडाल भरा हुआ दिखाई देगा, वो अद्भुत है। ऐसा आगरा नगर में पहली बार हुआ है जब किसी लगातार चलने वाली प्रवचन सभा में इतने सारे व्यक्ति सुनने आ रहे हैं। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की कथा चल रही है और इसी मध्य कल भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाने का मौका मिल रहा है। कल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्वत की रचना की जा रही है और बाकायदा पर्वत पर वंदना करने का मार्ग है। बाकायदा आप ऊपर जाएंगे, ऊपर टोंकें होंगी, टोंकों के दर्शन करेंगे और मुख्य भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पर जाकर कल आपको निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का मौका मिलेगा। साधु संग गुरु रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग गुरु रंग अंग अंग रहिए, चाहे विधि राखे गुरुवर चाहे विधि धरिए, गुरुदेव गुरुदेव रहिए, चाहे विधि राखे गुरुवर विधि रहिए। कल कैसे करेंगे हम, हेलो यहाँ कोई चर्चा नहीं, मंच पर कोई भी चर्चा नहीं करेगा, शांत रहिए। कल क्या करेंगे कैसे करेंगे, कल थोड़ा सा सभा का परिवर्तन होगा। कल पूज्य गुरुदेव आपको सम्मेलन शिखर पर विराजित दिखाई पड़ेंगे प्रातः काल में और कल ही भगवान पार्श्वनाथ का साक्षात जिनमें भी यहाँ पर लाके यहाँ पर अभिषेक और पूजन किया जाएगा। जिन लोगों ने 2300 रुपए के पुण्यार्जक बने हैं और नहीं बने हैं तो बच जाइएगा। पंकज जी, अनिल जी खड़े हो जाएं, आप जरा थोड़ा फैल जाइएगा। अगर कोई नहीं बने हो वो बनना चाहें तो बन सकते हैं, नाम कागज मुझसे ले लें, अगर आप पर ना हो आप ले लीजिएगा, ये ठीक है। और 2300 रुपए के पुण्यार्जक कल ये सेंटर में एंक्लोजर होगा, जैसे ये एंक्लोजर यहाँ है ना, कल वहाँ होगा, सबका फेस उधर होगा और उस एंक्लोजर में मेजें लगी हुई होंगी, पूजा की सामग्री लगी होगी, आप सब वहाँ बैठेंगे और उनमें से भी 300 भाग्यशाली वो होंगे जो प्रथम निर्वाण लाड़ू चढ़ाएंगे। कौन होंगे वो जो प्रथम निर्वाण लाड़ू, वो हम तय करेंगे प्रवचनों के आज ही के बाद। मन बना के रहिएगा कि आप आज वह कार्य करें जो इतिहास में अपने आप में लिखा जाएगा। 23 किलो के निर्वाण लाड़ू को पालकी में लेकर जब मंच से ऊपर जाएंगे, पहाड़ की वंदना करते हुए ऐसा लगेगा कि हम साक्षात वंदना करने पहुंच रहे हैं। हाथों में लाठियां भी दे देंगे हम आपके, क्योंकि उसी तरह का सब कुछ बनाया गया है। और वो पर्वत पर जब आप पहुंचेंगे और निर्वाण लाड़ू चढ़ाएंगे तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। वो कौन पहले, 3 लोग होंगे
उसकी बोली के द्वारा आज ही हम तय करेंगे प्रवचनों के बाद। लेकिन जिन्होंने 2300 रुपए के पुण्यार्जक बने उसके बाद उनको मौका दिया जाएगा सवा सवा किलो के लाड़ू लेकर, वो भी ऊपर जाएंगे। अब बाकी क्या करेंगे? नहीं नहीं, बाकी भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद, उसके बाद जो पहले जाएंगे वो शुद्ध व्यवस्था में धोती दुपट्टे में ही जाएंगे। उसके बाद कुछ व्यवस्था बदली जाएगी और फिर आम जन भी ऊपर जा पाएंगे। सबको ही जाकर बाद में निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का मौका कल दिया जाएगा, अवश्य आइएगा। और कल संध्या को विशेष आरती सम्मेलन शिखर पर्वत और पार्श्वनाथ भगवान की और शांतिनाथ महिला मंडल के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भक्ति के बाद यहीं पर किया गया है 7:15 बजे से। आप सब लोग यहां पर आएंगे, पहले गुरु भक्ति में जाएंगे और उसके बाद यहां पर सभी लोग आएंगे। चलिएगा, अब हम सब अनुरोध करें पूज्य गुरुदेव को कि अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें पार्श्व कथा का पाठ पढ़ा के। पूज्य गुरुदेव कर्तुं ददज्जयम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरो जयो जगत हितकार, मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फलसार, जाचे शिव फलसार। पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा सभी भक्त जीवों के लिए आनंद देने वाली है और भगवान बनने की एक प्रक्रिया भी समझाने वाली है। जीव का कभी भी अंत नहीं होता, जीव सदा शाश्वत है, सदा अमर है और जीव हमेशा अपने चैतन्य स्वभाव के साथ, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव के साथ सदैव जीता रहता है। जीने के अनेक जो बाहरी साधन होते हैं उनमें वह अनेक अनेक शरीरों को भी धारण करता है, अनेक प्रकार की इंद्रियों को भी प्राप्त करता है, मन को भी प्राप्त करता है और कभी कभी ज्ञान बाहर से भी प्राप्त करता है और कभी उसके अंदर से ज्ञान स्वयं भी उद्घाटित होता है। अनेक तरह की स्थितियों परिस्थितियों के साथ रहता हुआ यह जीव आत्मा, यह चैतन्य आत्मा
अनादि काल से इस संसार में भ्रमण करता है और भ्रमण करते करते जब कभी इसका संसार निकट आता है तब यह चेतता है भीतर से, और उसी चेतने पर, चेतना के जागृत होने पर इसके अंदर फिर स्व को, आत्म तत्व को प्राप्त करने की एक ललक पैदा होती है। जब इस जीव के अंदर इस तरह की ललक पैदा होने लग जाती है, जहां से इस जीव के लिए अनादिकालीन संसार के जन्म मृत्यु की परंपराएं तोड़ने की कोई प्रक्रिया शुरू होने लग जाती है, वहां से कुछ चर्चाएं इसकी शुरू हो जाती हैं। वास्तविक कथा इसकी वहीं से शुरू होती है। अनादिकालीन जन्म मरण की परंपरा को करने वाले अनंत जीव हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे, उनकी कोई कथा नहीं लिखी जाती, उनकी कोई चर्चा नहीं की जाती। जो महामनीषी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो स्वयं में भी सम्यक ज्ञान को धारण करते हैं, वो हमेशा उन्हीं की कथा करते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हैं, उन्हीं का गुणगान गाते हैं जिन्होंने अपनी इस जन्म मरण की परंपरा को तोड़ने का कोई प्रक्रम शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि पार्श्वनाथ भगवान का यह जीव भी हम और आपकी तरह ही जन्म मरण की परंपरा से चल रहा है, और यह अनादिकालीन परंपरा को तोड़ने की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी तो वो हुई थी एक हाथी की पर्याय से। मरुभूति का वह जीव जो हाथी बना था, और हाथी बनने के बाद ही वह जब व्रत संयम आदि को धारण किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ, तभी से उसके लिए सब कुछ बदल गया। जीवन में स्वभाव की सरलता होना अलग बात है और आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होना अलग बात है। स्वभाव की सरलता तो मरुभूति की पर्याय में भी थी, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हाथी की पर्याय में हुई और वहीं से उसका जीवन ऊपर उठना शुरू हुआ। अब वह जीव जब भी कभी अपना शरीर छोड़ता है तो वह इस संसार में या तो देवगति को प्राप्त होता है, और अगर देवगति से च्युत होता है तो वह मनुष्य गति को प्राप्त होता है। अब बीच में न कोई पशु पर्याय की बात है, न कोई नरक पर्याय की बात है, अब सिर्फ यह दो ही प्रकार की पर्यायों में वह आ जा करके अपना वह कार्य कर रहा है, और कर्म निर्जरा का जो साधन है वो अपनाता है इस मनुष्य पर्याय में आकर के। आप देख रहे हैं कि इस मनुष्य पर्याय में जब मरुभूति की पर्याय में वह था तब से उनकी चर्चा प्रारंभ हुई है। बहुत से लोग तो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं इससे पहले क्या था, इससे पहले के भव क्या थे। शायद लोगों को ये 10 भव की कथा सुनने से इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया है कि उन्हें और जानने की इच्छा हो रही है कि उससे पहले भी क्या थे, मरुभूति से पहले की पर्याय क्या थी। ये लोगों के अंदर से जिज्ञासाएं आ रही है, हमें प्रसन्नता हो रही है इस बात की कि चलो कम से कम आप कुछ समझना तो चाह रहे हैं और ये जानना तो चाह रहे हैं कि जो पार्श्वनाथ भगवान हमारे सामने 10 भव की कथा के रूप में है, उससे पहले भी उनका कोई जन्म होगा, उससे पहले भी उनकी कोई पर्याय होंगी, और इस तरह की अगर आपके अंदर जिज्ञासा भी उत्पन्न हो रही है तो हम समझते हैं कि आप अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, अच्छे आपके कान खुले हुए हैं, अच्छे आपका दिमाग खुला हुआ है। ये जिज्ञासा तभी उत्पन्न हो सकती है जब हम भीतर से ये जानने की कोशिश करने लग जाते हैं इससे भी पहले क्या होगा, और उससे पहले अगर का जीवन अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो उस समय पर हमारे अंदर ये बात जरूर आ जाती है कि जीवात्मा शाश्वत है, अमर है, अनंत जन्म मरण को धारण करने वाली है। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखें कि कथा वहीं से प्रारंभ होती है जहां से इस जीवात्मा ने जन्म मरण की परंपरा को तोड़ने का कुछ साधन अपनाना शुरू कर दिया हो। कथा हाथी की पर्याय से शुरू होती है, लेकिन हाथी से भी पहले
मरभूति का पर्याय इसलिए सामने आती है क्योंकि असली वैर वहीं से, असली संबंध वहीं से शुरू हुआ। आपके लिए अब इससे पहले की कथा अगर जानना होगा तो आपको साक्षात भगवान अरहंत देव के केवली भगवान के समोसरण में ही जाकर के वो कथा सुनने को मिल पाएगी कि भगवान दस भव पहले से और भी पहले की कथा सुनाओ। अभी तो आप इतना ही सुन लो, यही बहुत है। अगर ये कथा सुन सुन करके आप नहीं थक रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी पारसनाथ भगवान समाते चले जा रहे हैं। ये कथा आज पूरी होनी थी लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज आधी हो पाई है। और इस कथा को पूरा करने में अभी और समय लग सकता है, और समय अगर बढ़ता है तो कोई बात नहीं, हमारी भावनाएं भी उसके साथ साथ बढ़ती चली जानी चाहिए, क्योंकि हमें दुनिया में सब कुछ सुनने को मिलता है लेकिन तीर्थंकरों की कथा सुनना हर किसी के पुण्य की बात नहीं होती। ऐसे तीर्थंकरों का वर्णन जो केवली भगवान ने, स्वयं महावीर भगवान ने राजा श्रेणिक के समक्ष अपने मुख से किया हो, और अनेक तीर्थंकर भी जिनकी कथा का वर्णन किए हुए हो, और अनेक गणधर परमेष्ठी भी जिनकी कथा का गुणगान करते हो, जिन्होंने अपने शास्त्रों में, अपनी वाणी में जिसको लिखा हो, वो कथा आज हम यहां पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये हमारे मनुष्य जन्म का एक बहुत बड़ा क्षण है, समय है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये हमें समझ में आ सकता है। चर्चाएं बहुत से लोगों की बहुत तरीके की होती हैं। दुनिया में हमेशा आपको चर्चा मिलेंगी, राजनेताओं की हमेशा चर्चाएं मिलेंगी, चोरों की हमेशा चर्चाएं मिलेंगी, आतंकवादियों की हमेशा चर्चाएं मिलेंगी, बड़े बड़े क्रूअल और क्राइम करने वाले लोगों की। लेकिन जो चर्चाएं हमारी आत्मा को पवित्र करें, जिन चर्चाओं से हमारी जन्म मरण की प्रक्रिया का विनाश हो, और जिन चर्चाओं से हमें स्वयं भी भगवान बनने की एक इच्छा पैदा हो, ऐसी चर्चाएं केवल तीर्थंकरों की चर्चाएं होती हैं, और उसी को हम पारस कथा कहते हैं, उसी को हम तीर्थंकरों का पुराण कहते हैं। और इन्हीं पुराणों के माध्यम से हमारे पाप धुलते हैं, सुनने वालों के भी पाप धुलते हैं और सुनाने वालों के भी धुलते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सौदे में कहीं घाटा नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको फायदा मिल रहा है, आपको पुण्य मिल रहा है, तो आचार्यों ने लिखा है कि सुनाने वाले को भी पुण्य मिलता है, और कहीं कहीं तो लिखा है कि सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाले को पुण्य मिलता है। मैं तो सुनकर के आश्चर्य कर गया। हाँ? लिखा है शास्त्रों में कि इस तरह की कथाओं को सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाला पुण्यवान होता है। अब ऐसा क्यों लिखा? कुछ तो कारण होगा। हो सकता है सुनाने वाले की आदत ही पड़ गई हो सुनाने की। लेकिन सुनने वाला कोई आएगा तो अपने नए मनोभावों के साथ आएगा, गदगद होकर के बड़े श्रद्धा भाव से सुनेगा, और सुनकर के उसके जो कालिश धुलेंगे, उससे जो उसके अंदर परिवर्तन आएगा, उसके अंदर जो आनंद आएगा, उससे जो उसके पुण्य की वृद्धि होगी वो अद्भुत होगी। सुन रहे हो? ये इसलिए भी कहना पड़ रहा है क्योंकि सुनाने वाले भी कई तरीके के लोग होते हैं, सुनने वाले बहुत अच्छे होते हैं। सुनने वाला श्रोता हमेशा नए मन से आकर के सुनेगा, लेकिन सुनाने वाला जरूरी नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसे पूरी कथा पता है। उसके मन में अगर कोई नया मनोभाव बनेगा तभी उसके लिए पुण्य की वृद्धि होगी, और इस तरह का मनोभाव अगर बनता है तो ऐसे श्रावकों का समुदाय देख करके ही बनता है, ऐसे श्रावकों का उत्साह देख करके ही बनता है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे मन के अंदर भी पुण्य और बढ़ाने में आप सहयोगी बन रहे हैं। आपका भी सहयोग है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लोगों ने इससे पहले भी कथा सुनी है और ये कथा पहले भी हमने कई बार पढ़ी है, लेकिन जितने आनंद और जितनी रुचि के साथ और जितने उत्साह और जितनी विशुद्धि के साथ अभी यहां पढ़ी जा रही, इससे पहले नहीं पढ़ी गई।
लोग पूछते महाराज ऐसा क्यों, तो हर क्यों का उत्तर देना तो पड़ता है। भले ही वो उत्तर आपके पक्ष में जा रहा हो लेकिन उत्तर देना तो पड़ता ही है। तो आप जाने कि अगर आज आपके लिए लोग कोई लाभ मिल रहा है तो हमको भी उससे लाभ मिल रहा है, और इस तरीके का ये सौदा जो चल रहा है मुझे लगता है इसमें कहीं कोई घाटा नहीं है, और ये प्रॉफिट का सौदा चलते रहना चाहिए जब तक चल सके। यह मरुभूति की कथा से प्रारंभ होने वाली ये कथा आज आनंद राजा पर जाकर के टिकी हुई है। क्यों टिकी है? जबरदस्ती नहीं टिकी है। आनंद राजा की यह पर्याय ही वह पर्याय है जो पारसनाथ भगवान की पर्याय का निर्णय करने वाली है। ये पारसनाथ आगे बनने वाले हैं, ये वो तो आगे की घटना होगी, लेकिन उस घटना की सारी तैयारियां इस आनंद राजा की पर्याय में हो रही है। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना चाह रहा हूं। पारसनाथ भगवान की वो पर्याय इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसमें उन्हें कुछ करना नहीं है। महत्वपूर्ण वो होता है जहां पर आदमी मेहनत करता है, जहां पर आदमी उस तरीके का फल प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। हमें वो चीजें सीखनी है। आज मोदी अगर कुर्सी पर बैठे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कैसे रैलियां की, कैसे लोगों को बुलाया, कैसे उनकी सभाएं हुई, कैसे उन्होंने अपनी इतनी प्रेस्टीज अपने लिए क्रिएट की, ये महत्वपूर्ण होता है। कुर्सी पर बैठना महत्वपूर्ण नहीं होता। लोग मोदी से कुछ नहीं सीख रहे हैं, सीखते तब हैं कि वो बना कैसे। कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी राष्ट्रपति बना कैसे, किस तरह के ज्ञान से वो वहां तक पहुंचा। अगर हम इस तरह की सीख अगर देखना चाहते हैं तो ये आनंद राजा की पर्याय है। आपको पारसनाथ भगवान में कुछ नहीं दिखाई देगा, वहां तो सिर्फ पुण्य का फल भोगेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो तो सिर्फ उस समय पर हो रहा होगा। एक चीज होती है करना और एक चीज होती है होना। जब आदमी का जीवन शुरू होता है, जब आदमी अपने जीवन में नए नए कुछ विचार लाता है, जब आदमी अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयों को छूना चाहता है, तो पहले उसे कुछ करना पड़ता है। करना, बिना करे कुछ नहीं होता है। और करने के बाद में जब उसको उसके पुण्य का फल मिलता है तब सिर्फ सब कुछ होता है, फिर वहां किया नहीं जाता है। एक बच्चा भी अगर एक अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, तो उससे पहले उसे कुछ करना होता है। मेहनत करनी होती है, स्टडी करनी होती है, कोचिंग करनी होती है, घंटों घंटों उसे पढ़ाई करनी होती है, और उसके बाद में जब वह कुछ बन जाता है तो फिर बेटा आईएएस बन गया, कलेक्टर बन गया, अब क्या है, सिर्फ ऑफिस में जाता है, बैठता है, अब कुछ नहीं करता है। और वो जो करना है वो बहुत ही बिल्कुल नॉमिनल होता है। करना उससे पहले की क्रिया होती है, जब हम सुख भोग रहे होते हैं, और उससे पहले का जो करना है वही महत्वपूर्ण होता है। होने के बाद तो सिर्फ उस व्यक्ति की प्रेस्टीज देखी जाती है, हाँ ये हुआ है, लेकिन ज्ञानवान आदमी ये पूछता है ये हुआ कैसे, क्योंकि उसे भी वही करना है। इसलिए यह आनंद राजा की पर्याय बड़ी महत्वपूर्ण है। यहां बहुत कुछ हो रहा है और यहीं पर बहुत कुछ लिखा गया है। 12 प्रकार के तप आपने सुने पिछले 2 दिनों से, और उन तपों को करने के बावजूद अभी और 22 परिषदों का वर्णन बाकी है, क्योंकि यह सब भी वो कर रहे हैं। तप एक साधन है, और जब तप करते करते कोई व्यक्ति निष्णात हो जाता है, उसमें कुशल हो जाता है, तो फिर वह परिषदों की ओर देखता है कि अब मैं जो कष्ट पहले अपने लिए थोड़ा थोड़ा सहता था, अब मैं कितना और सह सकता हूं, और उनकी एक्सट्रीम लिमिट तक भी पहुंच करके अपने आप की सहन शक्ति को देखता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। परिसह का मतलब है कि बाहर की कितनी भी आपदाएं आए, कितनी भी हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थितियां हो, अब मार्ग से पीछे नहीं हटना। मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिशोडभ्या परिशहा, इसीलिए कहा गया। अगर व्यक्ति कष्टों को सहन करने की इच्छा रखेगा तो वह कभी भी मार्ग से भ्रष्ट नहीं होगा, और कर्म की निर्जरा उसके लिए हमेशा चलती रहेगी। कर्म की निर्जरा करने से, परिशहों को सहन करने से व्यक्ति के अंदर की सहनशीलता जब बढ़ जाती है,
तभी जाकर के वह व्यक्ति अपने आप में हर तरह से समर्थ पाता है और तभी उसके अंदर लगता है कि अगर मैं इन सब परिस्थितियों को जीत करके भी बिल्कुल स्थिर हूं, दृढ़ हूं, दृढ़ निश्चय हूं, तो अब मुझे डिगाने वाला कोई नहीं है। इसलिए 12 तपों के बाद में उन तपों से भी और आगे का कोर्स 22 परिसर, और ये परिसर जो होते हैं ये चला करके कहे किए जाते हैं, ये एक्स्ट्रा क्लासेज हैं, ये एक्स्ट्रा कोर्स हैं। एक मूल गुण होते हैं, एक उत्तर गुण होते हैं। मूल गुण का पालन सभी को करना होता है, उत्तर गुण अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पालन किए जाते हैं। जितनी आपकी क्षमता बन रही है उतना आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उत्तर गुणों का पूर्ण रूप से पालन करें, लेकिन मूल गुणों का पालन तो आपको पूरा का पूरा करना होगा। मूल गुणों का तो यहां जिक्र ही नहीं किया अभी, बड़े बड़े लोगों की कथाओं में छोटी छोटी बातें शायद होती नहीं है। 28 मूल गुण उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, और सीधा पंच महाव्रतों की बात कहने के बाद में 12 तप 22 परिचय उत्तर गुण, इन्हीं के माध्यम से आत्मा में कर्म की निर्जरा होती है, आत्मा शुद्ध होती है, दोषों से रहित होती है, इसलिए इन्हीं का यहां वर्णन किया जा रहा है। और जब ये तप और परिचय हमारे सामने आते हैं तो ये सब उत्तर गुणों के रूप में आते हैं। मूल गुण का मतलब आपको जो क्लास में मेन सब्जेक्ट दिए गए हैं वो सब्जेक्ट तो सब आपको पढ़ना ही है, 9th तक 10th तक सभी सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। उसके बाद में फिर अलग अलग लाइन चलती हैं, अलग अलग स्ट्रीम बनती हैं, और उसके अनुसार अपने अपने सब्जेक्ट लिए जाते हैं। और उसके बावजूद भी बीए के सब्जेक्ट अलग होते हैं, एमए के अलग होते हैं, और फिर जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे आप किसी एक एक सब्जेक्ट में भी और ज्यादा कुशल होते चले जाते हैं। ये सब वही कोर्स हैं, ये पूरे किए जा रहे हैं। आनंद राजा हुए सब कोर्स को पूरा करने में लगे हुए हैं, 12 तप करने के बाद में अब वो 22 परिसरों को सहन कर रहे हैं, और 22 परिसरों को जो व्यक्ति सहन कर लिया, ऐसा सहन कर लिया कि उसे परिसरों की तरफ भी ध्यान ना रहे कि ये कोई परिसर भी है, ये कोई कष्ट भी है, और वो अपने आनंद में घूमता रहे, अपने आनंद में लीन रहे, तो समझ लेना कि उसने परिसरों को जीत लिया। इसलिए परिसह का मतलब होता है परिसह जय, परिसहों को जीतना होता है, कष्टों को जीत लेना। लोग पूछते हैं कैसे कष्ट जीते जाते हैं, महाराज आप कई दिनों से बता रहे हो कष्टों को जीतो, दुखों को जीतो, कैसे जीते हैं? दुखों को जीतने के लिए दुखों को अपने सामने जो आ रहे हैं उन्हें आने दो, लेकिन उन दुखों में अपना मन मत लगाओ। कहां लगाऊं महाराज, दुखों में मन मत लगाओ, दूसरी जगह लगाओ। अपना मन हटा करके, उस दुख से हटा करके जहां हमारी आत्मा को सुख मिलता है उस सुख में मन लगाओ, स्वाध्याय में मन लगाओ, जाप में मन लगाओ, अच्छी अच्छी बातें सुनने में मन लगाओ, आर्त रौद्र ध्यान को दूर करने में मन लगाओ, धर्म ध्यान ज्यादा से ज्यादा करने के लिए अपने आप में आंख बंद करके बैठ जाओ, नमोकार मंत्र में मन लगाओ, अरहम ध्यान में मन लगाओ, कहीं ना कहीं मन लगाओ, मन बाहरी चीजों में मत लगाओ। आपदा आई है, दुख आया है, और वो आकर के आपके ऊपर से चला जाए और आप वहीं के वहीं बैठे रहें और आपको लगे कि आपदा निकल गई, तो समझ लेना आपने वो आपदा जीत ली। इसका मतलब है परिचय जय हो गया। सुन रहे, आपदा आती रहती है, छोटी छोटी सी बातें भी हम सीख सकते हैं, यहां पर बंदर बहुत हैं। सुन रहे, सब जगह होते हैं, यूपी की पहचान ही है कि जहां पर बंदर हो उसी का नाम यूपी है, मुझे तो ऐसा लगता है। खास तौर से लाल मुंह के बंदर यूपी में ही मिलते हैं, दूसरी जगह पर काले मुंह वाले मिल जाएंगे, लेकिन लाल वाले तो यहीं पे मिलेंगे, खुखियाने वाले, खतरनाक। और उन बंदरों की भी अगर हम कथा देखें, उनकी भी अगर हम प्रवृत्ति देखें, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने को बंदरों से पाला हमेशा पड़ा है, जब इस यूपी में रहे, जब तक जीवन रहा तब तक भी, और बंदरों ने काटा भी है, खाया भी है,
समझ आ रहा है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा यूपी में जिसने बंदरों ने जिसको काटा ना हो। अब आज की बात अलग है, बंदर भी इतने थोड़े ढीले ढाले हो गए हो, पहले के 20 साल पहले के बंदर भी बहुत खतरनाक हुआ करते थे। समझ आ रहा है? एक बार जब सम्मे शिखर की यात्रा करने के बाद में जब मैं फिर से मुनि महाराज बनकर के इलाहाबाद की तरफ आया था, तो इलाहाबाद की बात बता रहा हूं आपको, छत पर ऊपर बैठा था, शाम की सामायिक का समय हो रहा था और छत पर जहां मैं सामायिक करने के लिए अपनी चारों ओर की दिशाओं की दिग्बंधना कर रहा था, तो वहीं पर एकदम से मैंने देखा कि सामने टंकी पर बंदर बैठे हैं, है ना। सामने टंकी थी ऊपर ही और नीचे वाली छत पर जो है मैं खड़ा था, और जैसे ही मैंने पिछी ऐसे करी अपनी वंदना करी तो वो मेरे पे देखने लगा, मैंने भी थोड़ा सा देखा तो खुखियाने लगा। तो मुझे याद आया कि ये पहले भी मेरे को काट चुका है, हो सकता है अभी फिर तैयारी कर रहा हो, कोई बात नहीं। तो उसने खुखियाना प्रारंभ किया, लेकिन मैंने अपना कायोस्तर किया, चारों दिशाओं में कायोस्तर करके मैं शांति से बैठ गया, और जब उसने खुखियाना शुरू किया तब तक दो चार और आ गए उसके संगी साथी। अब वो जब खुखियाने लगा तो मुझे कोई बात नहीं, मुझे तो सामायिक वहां करनी थी, मैं वहां आराम से बैठ गया और मैंने देखा कि मैं सामायिक करने के लिए बैठ गया हूं, मैंने नासा दृष्टि कर ली, क्योंकि मुझे पता है जानवरों की ओर, बंदरों की ओर, कुत्तों की ओर अगर कभी आप ज्यादा देखोगे उनकी आंख में आंख मिला करके, तो वो आपके ऊपर आक्रमण ज्यादा करेंगे। हम वहां पर बैठ गए, लेकिन फिर भी उन बंदरों को ऐसा लगा कि ये मेरे लिए कुछ कर रहा होगा, तभी उन्होंने खुखियाना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने पिच्छी देखी, पिच्छी हर किसी को देखने को नहीं मिलती है, और कई बार जानवर पिच्छी को देख करके ही थोड़े से बिगड़ से जाते हैं। तो वह जब उसने देख लिया कि ये महाराज शांत बैठ गए, लेकिन फिर भी उसका खुखियाना बंद नहीं हुआ, और जहां पाटे पर जहां बैठे थे वो बिल्कुल पाटे के पास आकर के बैठ गया। मैं शांति से बैठा हूं और वो पाटे के नीचे बैठा, पाटे के पास नीचे बैठा हुआ अभी भी खुकिया रहा, खो 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 खो, वो ये देख रहा है कि ये भी थोड़ा सा देखे तो मैं इसके ऊपर चढ़ बैठू। समझ आ रहा है? जब मुझे लगा कि ये मेरी नासा दृष्टि से भी दिखाई दे रहा है, तो फिर मैंने आंखें और बंद कर ली, अब होगा जो देखा जाएगा। समझ आ रहा है? और फिर जब मैंने पूरी आंखें बंद कर ली, जब मैं शांति से बैठा रहा, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने जब आंखें खोली तो देखा कि माहौल शांत था, वहां पर कोई बंदर नहीं था, सब अपने आप चले गए। इसी को छोटी छोटी घटनाओं से, कोई भी आपदा आती है, आपत्ति आती है, किसी भी तरीके की घटना घटती है, आप उस समय पर अपने आप में आ जाओ, अपने आप में रह जाओ, शांत हो जाओ, प्रतिकार मत करो, दुख को जीतने का ये तरीका होता है। आप अगर किसी भी चीज पर बार बार रिएक्ट करोगे, बार बार उस चीज को फेस करने के लिए उसी से लड़ोगे, झगड़ोगे, उसी पे अपनी एनर्जी लगाओगे, तो आप परेशान हो जाओगे। दुखों को जीतने का तरीका है कि थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल अपने आप में आंखें बंद करके ये समझ लो कि ये है ही नहीं कुछ भी, आ रही है मुसीबत, थोड़ी देर के लिए आई है, कुछ समय के लिए आई है, चली जाएगी, मुझे थोड़ा सा अपना टाइम अब डाइवर्ट कर लेना है, अपना माइंड डाइवर्ट कर लेना है। और अगर ऐसा आप करना सीख गए तो ऐसी कोरोना, हैजा, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, तरह तरह की जो वेव्स आती रहती हैं, ऐसी आगे भी आती रहेंगी, लेकिन अगर आप उस समय पर अपने आप को इस तरीके से फेस करना सीख गए तो आपको पता पड़ेगा कि वेव निकल गई, बहुत टाइम हो गया है और मैं अब बिल्कुल उससे बचा हुआ हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? वही लोग तो सुन रहे हैं जो वेव निकलने के बाद बचे बैठे हैं। और इस तरीके की आपदाएं में भी वही लोग स्वस्थ रह पाए जिन्होंने घर बैठे भी धर्म ध्यान किया है। भले ही हुए बड़ी बड़ी सभाएं नहीं लग पाई, लेकिन ऑनलाइन बैठे बैठे धर्म ध्यान तब भी करते रहे, और आज भी हजारों लोग ऑनलाइन ये पारस कथा सुन रहे हैं, धर्म ध्यान आज भी कर रहे हैं। जितने यहां बैठे हैं उससे कई गुने ज्यादा लोग बाहर सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि इसी से ही हमारा मन लगता है, धर्म ध्यान होता है, और ऐसे धर्म ध्यान जो भगवान ने खुद किए अपने पर्याय में, हम भी तो जानने की कोशिश करें। अगर कोर्स बहुत कठिन भी हो, बहुत टफ भी हो, तो भी एक इंटेलिजेंट बच्चा जो होता है वह उसको जानने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसी कोई चीज कठिन नहीं है जो आदमी के लिए संभव ना हो। और जिस कोर्स को बनाने वाला भी आदमी होगा तो उसका भी अपना कोई दिमाग, और वो भी तो आदमी होगा, अगर वो आदमी है तो हम भी तो आदमी है।
जाने तो, सीखें तो, डर डर के भागने से आपको क्या मिलेगा? सुन रहे हो? भाग तो नहीं रहे हो? ये कुछ भागने जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी बात से, किसी भी डर से, अगर इन तरह के परिसरों से आपको हमेशा बिचकने का भाव होगा, दूर रहने का भाव होगा, तो आप कभी भी अपने लिए वो चीजें समझ ही नहीं पाएंगे जिन चीजों को हमें खुद करना है और जिनसे हमें लाभ मिलना है। इसलिए ये आपके लिए मानसिकता बना रहा हूं कि आप समझें कि 22 परिसर हमारे लिए भी कितने जरूरी हैं, और उन परिसरों को अगर हम नहीं जीत पाते हैं, नहीं उनका हम सहन कर पाते हैं, तो जो सहन कर रहे हैं उनके चरणों में नमोस्तु तो कर सकते हैं। इसमें क्या बिगड़ता है? इतना तो कर ही सकते हैं ये पंडित जी भी, और कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। सुन रहे हो? इन्होंने कुछ किया नहीं था, सिर्फ लिखा ही है। ये पंडित जी भी कोई बहुत मुनि बन करके कोई परिसरों को सहन नहीं किए, लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान से लिखा है, तो लिख करके भी उन्होंने अपने मनोभावों को बड़ा निर्मल किया है, क्योंकि इन छंदों में वो उन परिसरों को सहन करने वाले मुनि महाराज के लिए परोक्ष रूप से नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और ये भावना कर रहे हैं कि मुझमें भी ऐसी परिसरों को सहन करने की शक्ति आए। ऐसे परिसरों को हम अब यहां पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको समझने की कोशिश करना है कि ये परिसर किस तरह से मुनि महाराज सहन करते हैं। 22 परिसर हैं, और इन 22 परिसरों में इनके नाम क्रम क्रम से आपके सामने आते जाएंगे। सबसे पहला परिसर कहलाता है क्षुधा परिसर। क्या बोलते हैं? क्षुधा जानते हो? सुधा नहीं बोल रहे? क्या बोल रहे? क्षुधा। क्षुधा माने हाँ भूख, पेट की भूख, शरीर की भूख। यह भूख अपने आप में एक बड़ी व्याधि है, एक रोग है, और इस भूख को सहन करके ही वह भूख पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी क्षुधा की वेदना को सहन कर लेना और उससे अपना मन हटाना कैसे होता है, ये यहां पर कुछ लाइनों में लिख करके बताया जा रहा है। प्रत्येक परिसर के लिए यहां पंडित जी ने दो दो लाइनें लिखी हुई हैं। सोमावती नाम का एक दूसरा छंद है, ये चौपाई नहीं है। सुन रहे? अनशन ऊनो दर तप पोषत पाख मास दिन बीत गए हैं, जोग न बने जोग विच्छा विधि, सुख अंग सब शिथिल भये हैं, तब बहु दुसह भूख की वेदन, सहत साधु नहीं नेक नए हैं, तिनके चरण कमल प्रतिदिन, हाथ जोरी हम शीश नए हैं। ये क्षुधा वेदना को जीतने वाले ऐसे मुनि महाराज अनशन करते हैं, उनुदर करते हैं, तप तरह तरह के तप करते हैं, एक पक्ष के भी तप करते हैं, 15-15 दिन के, एक एक महीने के, और ऐसा करते करते बहुत दिन भी बीत जाते हैं। कभी कभी पारणा करने के लिए भी निकलते हैं तो भी योग्य विधि नहीं मिल पाती है, पारणा कोई नहीं करा पाता है, किसी को पता भी नहीं होता है कि मुनि महाराज कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, कब आएंगे, कैसे उनकी पारणा होगी, कुछ भी पता नहीं होता है। ऐसी विधि होने पर भी जिनके अंग बिल्कुल सूख जाते हैं, पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है, शरीर में ना कोई खून दिखाई देता है, ना कोई भी मांस दिखाई देता है, सब कुछ वह शरीर सूख जाता है, दुख की वह दुस्सह वेदना सहन कर लेते हैं, लेकिन सहत साधु नहीं नेक नए हैं। तुम्हारी भाषा में ही लिखा है। ऐसे साधु सहन करते हुए भी नेक, नेक माने थोड़ा, नेक माने ये इधर ही चलता है, है? हाँ, नेक सो दे दियो, नेक नॉन डाल दियो। ऐसे ही ये साधु इस वेदना को सहन करते हुए भी नेक माने तनिक भी,
अपने से दूर नहीं हुए, झुके नहीं, माने उन परिसरों से डरे नहीं, तिनके चरण कमल में हम हाथ जोड़कर शीश नए हैं, उनके चरणों में हम हाथ जोड़ करके अपना शीश झुकाते हैं कि जो इस तरह से शरीर की तमाम वेदनाओं को जीत लेते हैं और अपनी आत्मा की भावना से, अपने आत्मा के ध्यान और ज्ञान से कभी भी च्युत नहीं होते, यह सोच करके कि शरीर छूटता है, नष्ट होता है, लेकिन मैं चैतन्य आत्म पिंड हूं, मेरा कभी भी अभाव नहीं होता। मैं अगर शरीर में अपना मन लगाऊंगा तो मुझे जन्म जन्म तक शरीर ही मिलेगा। जिसमें हमारा मन लगेगा हमें वही चीज मिलेगी। ये एक मनोविज्ञान है, ये भीतर की केमिस्ट्री है। आपका मन अगर भोगों में लगेगा तो भोग ही मिलेंगे आपको जन्म जन्म तक। आपका मन अगर शरीर में लगेगा तो अपना शरीर ही आपको जन्म जन्म तक मिलेगा। अगर आप दूसरों के भी शरीर की इच्छा करेंगे तो आपको शरीर ही दूसरों का मिलेगा। अगर आप अपने मन को अपनी आत्मा में लगाने लग जाएंगे तो आपको अपनी आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। जहां मन लगाओगे वहीं पर वो चीज मिलेगी। इसलिए यह शरीर को वैराग्य के माध्यम से छोड़ करके और अपनी आत्मा में मन लगाते हैं, ऐसी क्षुधा की परी से जीतते हैं। और क्षुधा से भी बढ़कर के एक परी से और होती है, तृषा, माने तृष्णा, पानी, प्यास, पिपासा, इस तृषा की वेदना को भी जीतते हैं। पराधीन मुनिवर की भिक्षा पर घर ले ही कहे कछु नाही, प्रकृति विरोध पारणा भुंजत बढ़त प्यास की त्रास तहाही। ग्रीष्म काल पित अति कोपे लोचन दोय फिरे जब जाही, नीर न चहे सहे ऐसे मुनि जयवंते वरतो जगमाही, जयवंते वरतो जगमाही। तृषा प्यास कैसे बनती है? पराधीन मुनिवर की भिक्षा, ये एक सूक्ति वाक्य सा बन गया है। आप हमेशा कभी कभी बोलते हैं, पुराने लोग जानते हैं, कहते हैं पराधीन मुनिवर की चर्या, ऐसा बोलते हैं। सही पाठ क्या है? पराधीन मुनिवर की भिक्षा कहो, चर्या कहो, क्योंकि चर्या का मतलब आहार चर्या से ही है। सबसे ज्यादा जिस शरीर से राग होता है, जिस भोजन से राग होता है, वही चीज जब पराधीन हो गई तो बहुत राग तो उसी में मिट गया। अब अपनी इच्छा से कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे की इच्छा से मिलेगा, कम भी मिलेगा ज्यादा भी मिलेगा, कह नहीं सकते दूसरा क्या देगा। तुम्हें क्या इच्छा करनी है, इच्छा करोगे तो वो चीज कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी केवल इच्छा है, आपके लिए मौन भी है, आपको अपनी इच्छा वहां व्यक्त भी नहीं करना है, मौन पूर्वक खड़े रहना है और जो श्रावक दे दे वो आपको ले लेना है, ऐसी पराधीनता के साथ में भोजन करना है। और कभी कभी तो वह प्रकृति विरुद्ध पारणा भी हो जाती है। प्रकृति विरुद्ध मतलब, प्रकृति तो थी हमारी पित्त की और उन्होंने उसी पित्त की प्रकृति में पित्तौड़ा खिला दिए। नहीं समझे? पित्तौड़ा नहीं जानते? पित्तौड़ा जिससे पित्त दौड़ता है उसी को पित्तौड़ा बोलते हैं। नहीं जानते? बेसन के रोल वाले। अब भाई समझ, क्या बोलते हो? रोल बोलते हो? अरे नहीं भाई, हाँ हाँ, पितौड़ पितौड़। समझ आ रहा है? तो जिस बेसन से, जिन मिर्चियों से, जिस तली हुई चीजों से पित्त बढ़ता है और किसी की पित्त प्रकृति हो, उसने वही खिला दिया, महाराज यही खाओ, कुछ है ही नहीं है, रोटी बनाई नहीं है, क्या करोगे? है ही नहीं। या कुछ और भी ऐसी चीजें जो गर्मी में गर्मी बढ़ाने वाली हो, ठंड में और ठंडी चीजें, इस तरह की प्रकृति के विरुद्ध पारणा हो जाती है और प्रकृति के विरुद्ध आहार हो जाता है तो वह प्यास और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ग्रीष्म काल हो और इस तरीके का पित्त कुपित हो जाए
लोचन दोए फिरे जब जाहीं, आंखें घूमने लग जाती हैं, आंखें फिर जाती हैं, समझ आ रहा है, एकदम से आंखें टंगी सी रह जाती हैं। हाँ, आपको क्या पता। और इस तरीके की कंडीशन कई बार बन जाती है, इतने समझदार श्रावकों के बीच में भी बन जाती है, समझ आ रहा है। प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी दिया जा सकता है, और आपने जो दिया आपको पता ही नहीं कि वो कैसा है, क्योंकि कराने से पहले आप चखते तो कुछ है ही नहीं हो, चखना हमारा धर्म ही नहीं है, सुन रहे हो, ऐसा भी हो जाता है। अमरकंटक की बात है, बहुत से ब्रह्मचारी लोग थे जिनका आज दीक्षा दिवस भी है, सुन रहे हो, ये सभी वीर सागर जी वगैरह और भी उस समय पर और भी अनेक सभी ब्रह्मचारी थे उस समय पर, और इन लोगों ने, ब्रह्मचारियों ने उस समय पर पड़गाहन किया, और पड़गाहन करने के बाद में इन्होंने आहार दिया, सुन रहे हो, ब्रह्मचारियों का ही केवल चौका था, ब्रह्मचारियों के चौके में गया और वहां पर आहार देने के लिए पहला ग्रास उन्होंने दिया, तो उस ग्रास में दाल भी रख दी, लौकी के कुछ टुकड़े भी रख दिए सब्जी के, सुन लिया। अब पहला ग्रास उन्होंने दिया तो अपन ने मुंह में रखा, और मुंह में रखने के बाद वो लगा कड़वा है, कड़वा तो है, लेकिन अब पहला ग्रास दिया, एक ग्रास है, कड़वापन तो आ रहा है, ये समझ में आ गया कि ये कड़वापन लौकी का कड़वापन है। अब दो ही कंडीशन है, या तो बैठ जाओ, अंतराय कर दो, या उसको ले लो पीतर, समझ आ रहा है। अब मन में विचार चल रहा है और वो कड़वापन भी महसूस हो रहा है, लग रहा है कि थोड़ा सा कड़वापन है चल जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, अगर कड़वापन है थोड़ा सा आज मीठा ज्यादा ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा, समझ आ रहा है। क्योंकि एक मन में भाव भी था कि मुझे आज ये धारणा करनी है, कल मुझे उपवास करना है, एक ऐसा विचार भी दिन में चल रहा था, कल मुझे उपवास करना है, इसलिए आज लेना जरूरी है। और एक ग्रास से क्या फर्क पड़ेगा, ले लिया, एक ग्रास लेने के बाद में फिर दूसरा, फिर वो चीज नहीं ली, वो सब्जी नहीं आई, लेकिन वो एक ग्रास में जितने भी पीस पहुंच गए वो उस समय कुछ नहीं हुआ, बाद में पूरा भोजन हो गया, है ना, बीच में जो मीठा भी दिया गया वो भी ले लिया, यही सोच करके कि भाई इसका कड़वापन दूर हो जाए, और वो ले लिया, लेने के बाद कुछ नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हुआ, आराम से आकर के बैठ गए। जब दोपहर में प्रत्याख्यान होने का टाइम आता है, आचार्य महाराज के पास में सभी साधु लोग जाते हैं और प्रत्याख्यान करते हैं, माने कल के लिए प्रत्याख्यान, कल के लिए आहार का त्याग, ऐसा त्याग भी करते हैं, और जिनको उपवास आदि लेना होता है वो उपवास आदि भी लेते हैं, जो भी तप करना होता है वो तप अपने मन से ग्रहण करते हैं। तो उस समय पर ईर्ष्यापद पक्ति होती है, और उसी समय पर जाकर के वह उपवास लेने का मन तो था ही कि कल उपवास करना है, और वो उपवास ले लिया, सुन रहे हैं? सामायिक का समय आया, 12 बज गई, और जैसे ही 12:15 बजी एकदम से सिर घूमने लग गया, चक्कर से आने लग गए, घबराहट सी होने लग गई, और तुरंत जो है वो सामायिक छोड़नी पड़ी, और वहां से उठ करके फिर छत पर गया, और वहां जाकर के उल्टी 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 शुरू हो गई। वो जितना भी खाया था सारा घंटे भर तक क्या दिन भर उल्टी होती रही, और उल्टी होते 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 आप समझ सकते हो कि एक बार दो बार चार बार उल्टी होती तो आप लोगों की क्या हालत होती है, और उल्टी होते होते वो हालत इतनी पस्त पड़ गई कि शाम तक उठने बैठने की स्थिति भी बिगड़ने लग गई। अब ये तो चलो ठीक है, निकल गया बीमारी, निकल गई कड़वापन, निकल गया, सबको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे भी समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब जब शाम को लोगों ने हालत देखी तो सब कहने लगे, महाराज रात तो निकलना ठीक है, अब कल आपने उपवास ले रखा है, हमें भी पता है उपवास ले रखा है, कल का क्या है, उपवास, समझ में आ रहा है,
अब लोग जो श्रावक लोग हैं वो कह रहे हैं कि महाराज ये उपवास आप अगर कल करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। कोई थोड़े से वहां पर डॉक्टर और वैद्य टाइप के भी लोग थे तो कहने लगे महाराज इतना अगर किसी को हो जाता है गृहस्थ को ड्रिप चलानी पड़ती है, पानी की बहुत कमी हो गई है, आपको कल उपवास नहीं करना। अब कल तो होने दो, कल हुई। अब जो मुनि महाराज आसपास हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं, आचार्य महाराज के पास पहुंच गए कि कल हालत बहुत खराब हो गई थी, उपवास को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, प्रत्याख्यान आगे भी बढ़ते हैं, ऐसा भी शास्त्रों में नियम है, आप आज्ञा दें। तो आचार्य महाराज कहते हैं उसी से पूछ लो जाके। अगर वो कहते तो कुछ सोच भी सकते थे, अब उनने क्या कह दिया, उसी से पूछ लो, उसकी जैसी इच्छा बने। अब उन्होंने अगर हमारे ऊपर डाल दिया तो फिर मन में आया कि नहीं, अगर अपन ने मन बनाया है, अपन ने नियम लिया है, उपवास लिया है तो करेंगे, जैसे भी होगा करेंगे। और आचार्य महाराज के पास में निवेदन जाकर के खुद कर दिया, आप बिल्कुल भी विकल्प ना करें, जो उपवास कल लिया था जो उपवास होगा और जैसे भी होगा हो जाएगा। आचार्य महाराज ने जब इस तरीके से मनोभाव देखा तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा मत करो, आशीर्वाद दिया, बढ़िया ठीक है। और आशीर्वाद देने के बाद में फिर उन्होंने साधुओं को भेजा, वैयावृत्ति कराई अच्छे से, जिस तरीके से भी हो सकता है अच्छी वैयावृत्ति की दिन भर होती रही। और आराम से वह फिर वह दिन निकला, दूसरे दिन फिर जाकर के, तीसरे दिन कहना चाहिए, वो जाकर के फिर पारणा हुई। और पारणा में भी क्या हालत होती है आप समझ सकते हैं कि ऐसे उपवास से पहले इस तरीके की उल्टियां होने के बाद में बहुत थोड़ा सा आराम से बहुत धीमे धीमे लेने के बाद में जितना भी लिया गया कम से कम इतना तो लगा कि चलो भाई जान में जान आई, समझ में आ रहा है। तब समझ में आता है ये जो लिखा है ना, आंखें फिर जाती हैं, चक्कर आते हैं, जब ग्रीष्म की ऋतु भी हो और इस तरीके के इस प्रकृति विरुद्ध आहार हो जाए और इस तरीके की समस्याएं सामने आ जाए, फिर भी आपको अपने व्रतों से अपने संकल्पों से हटना नहीं, इसी को बोलते हैं तृषा परिषह जय। सामान्य श्रावक तो दो चार उल्टियां हो जाए तो बोतलें की बोतलें लगवा लेता है, समझ आ रहा है। आप सोचें कि अगर हम अपने अंदर इस तरीके की शक्ति लाते हैं, ऐसा कुछ अपना मनोभाव बना करके रखते हैं, तभी यह परिषह जय कहलाते हैं। और इन्हीं परिषहों को जय होने से कर्म की निर्जरा होती है, इसे बोलते हैं तृषा परिषह जय। ये दूसरी है, तीसरी कौन सी है, क्षुत पिपाशा। ये दो परिषह हो गई, इसके बाद में आती है शीत परिषह। शीत काल सब ही जन कांपे, खड़े जहां वन विरक्ष डहे हैं, झंझा वायु बहे बरसा ऋतु, बरसत बादल झूम रहे हैं, तहां धीर तटनी तट चौवट, ताल पाल पे कर्म दहे हैं, सहे संभाल शीत की बाधा, ते मुनि तारण तरण कहे हैं, ते मुनि तारण तरण कहे हैं। ये शीत परिषह, आप तो शीत में अपने घरों में कंबल ओढ़ करके बैठे रहते हो, मूंगफली खाते रहते हो, चाय पीते रहते हो, और मुनि महाराज ना उनके पास कंबल है ना रजाई है, और उन्हें अपनी पूरी चर्या भी करनी है, कितनी भी शीत हो कुछ भी हो तो भी उन्हें अपनी चर्याएं सभी करनी होती हैं, स्वाध्याय भी है, सामायिक भी है, निहार भी है, आहार भी है और विहार भी है, सब कुछ होता है शीतकाल में। और इस तरीके की सभी चर्याएं करके भी वह मुनि महाराज सब तरीके के शीत को ठंड को सहन करके भी कभी ऐसा नहीं सोचते कहां फंस गए, अगर ये सोच लिया तो गुरुस्थानी गिर जाएगा, कभी भी ऐसा विचार नहीं करते
कि लोग अभी घरों में बैठे बैठे अपने कंबलों में हीटरों में बैठे होंगे और हम यहां सड़कों पर विहार कर रहे हैं ठंड में, उन्हें उसी में आनंद आता है और उसी शीत परिचय को सहन करते हुए भी वह अपने ध्यान को अपने ज्ञान को इतना संभाले रखते हैं कि उनके लिए कभी भी ऐसे विकृत और ऐसे निम्न विचार नहीं आते और वह हमेशा अपने आप में ये भाव करते हैं कि अगर यह जीत लिया तो उसी से वो प्रसन्न अपने आप में हो लेते हैं और अपने आप को शाबाशी दे लेते हैं कि ऐसी सीत भी निकल गई जो लोग कहते हैं कि ऐसी ठंड महाराज पहली 50 साल में कभी नहीं पड़ी, वो भी निकल गई हाड़ फोड़ने वाली। समझ आ रहा है? ऐसी शीत भी होती है तो वह भी सहन की जाती है और शीत नहीं होती है तो क्या होता है? ग्रीष्म होती है। परिचय तो दो ही रखे हैं, वर्षा का कोई परिचय अभी नहीं है यहां, लेकिन वर्षा का एक योग अपने आप में अलग होता है, उसकी भी परिचय, उसकी भी एक अपने आप में सहन शक्तियां अलग होती हैं। शीत परिचय के बाद में यहां पर उष्ण परिचय का वर्णन किया जा रहा है। भूख प्यास पीड़ा और अंतर प्रजले आंत देह सब दागे अग्नि स्वरूप धूप ग्रीष्म की ताती बाल झाल सी लागे तपे पहाड़ ताप तन उपजे कोपे पित्त दाह ज्वर जागे इत्यादिक ग्रीष्म की बाधा सहे साधु धीरज नहीं त्यागे। उर्मे मने हृदय में भूख प्यास की पीड़ा उत्पन्न होती है, आंतें जल रही होती हैं, देह में आग सी लग रही होती है, सब देह जल रही होती है और वह ऊपर से अग्नि की तरह ग्रीष्म धूप भी लग रही होती है, ताती ताती बालों की झाल भी लागती है, अगर कहीं पर कोई भी हवाएं भी चलती हैं तो वे भी गरम गरम लू लपट लगती है, पहाड़ तपते हैं और वह ताप तन में उपजता है, पित्त भी कुपित होता है, ज्वर भी आ जाता है, लू लग जाती है तो ज्वर भी आ जाता है, इत्यादि ग्रीष्म की बाधा सहे साधु धीरज नहीं त्यागे। सुन रहे होता ही रहता है, आप कितनी भी व्यवस्थाएं करो, आप कितनी भी मुनि महाराज की सेवा करो, कहां तक करोगे, क्या करोगे? जहां रुकना है वहां रुकना है, जैसी स्थिति होगी वहीं रुका जाएगा, जहां जिस प्रकार का वातावरण होगा वहां उसी प्रकार का ही वातावरण होगा, आप अलग से क्या कर पाओगे? बहुत दूर की बात क्या कहें, मुकेश बैठे हैं सामने फैक्ट्री में रुकाया था, सामने से धूप पड़ रही है, भीतर धूप जा रही है, आपके लिए ऐसा लग रहा है कि हमने मुनि महाराज के लिए रोका है, वातावरण है, लेकिन वो वातावरण कहीं से भी ग्रीष्म के अनुकूल नहीं है, ये आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि आपके लिए ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है, लेकिन रहता है जब तक कि एक कमरा भीतर के भीतर ना हो, जब तक कि एक दीवार उसकी धूप को रोकने वाली ना हो, तब तक वो बाहर की आग भीतर आने से कैसे रुक सकती है? समझ आ रहा है? अब जहां जो है स्थान वो तो है ही, स्थान तो एकदम से नया बन नहीं सकता, दूसरे स्थान पर भी ऐसी तीव्र दोपहरी है, तीव्र धूप है, कहीं जा भी नहीं सकते, तो जो है सो है, क्या कर सकते? आपने तो अपने हिसाब से सब अच्छा ही किया, लेकिन वो जरूरी नहीं कि मुनि महाराज के लिए सब कुछ अनुकूल बने, वह अलग ही होता है। और इस तरह से अनेक तरह की बाधाएं होते हुए भी मुनि महाराज अपने ज्ञान ध्यान समता और धैर्य को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ये बात किसी के लिए आपत्ति जताने वाली नहीं होती है, ये तो सिर्फ आपको ये मनोभाव देने के लिए होती है कि आप ये जानें कि आज भी मुनि महाराज अपनी शक्ति अनुसार ये सब चीजें सहन करते हैं। ये ठीक है कि इतनी शक्ति नहीं है कि पहाड़ पर जाकर के गर्मी में खड़े हो जाएं, समझ आ रहा है? लेकिन पहाड़ की तलहटी में भी गर्मी में बैठे बैठे गर्मी निकालना ये भी बड़ी बात होती है।
बिना कूलर, बिना एसी के और बिना किसी प्रकार की ठंडी ठंडी हवाओं के वे गर्म वातावरण में भी अपने आप को बनाए रखना, और कभी कभी तो वह भोजन पानी वह भी जब गर्मी में होता है तो वह गर्मी में कभी कभी तो भोजन भी करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि गर्मी में कितना भोजन किया जाता है, पानी पानी, और वह पानी भी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने में आधा किलोमीटर हो और सड़कें गर्म हो रही हो तो वो पानी भी सूख जाता है वहां तक आते आते, समझ आ रहा है। तरह तरह की ऐसी सब बाधाएं होती रहती हैं, लेकिन मुनि महाराज अपनी समता को बढ़ाते हैं, धैर्य को बढ़ाते हैं, ये सब तो जीवन में चलता ही रहेगा, इसीलिए ये जीवन अपनाया गया है, किसी को ताने देने के लिए नहीं, किसी को कोसने के लिए नहीं, किसी को बुरा कहने के लिए नहीं, ये सब अपने लिए अपने कर्म की निर्जरा करने के लिए है, ऐसा सोच करके मुनि महाराज ये सब बाधाएं सहन करते हैं। एक और बड़ा परिचय है, बड़ा परिचय है, कौन सा आ रहा है, दंश मसक परिसर, कौन सा, डांस डसे माखी तन काटे पीड़े वन पंछी बहु तेरे डसे ब्याल विषयाले बिच्छू लगे खजूरे आन घनेरे सिंह स्याल सुंडाल सतावे रीछ रोच रोज दुख दे ही बड़ेरे ऐसे कष्ट सहे समभावन ते मुनिराज हरो अघ मेरे। बड़े बड़े जंगलों में जो मुनि महाराज रहते हैं, चतुर्थ काल की तपस्याओं का यह वर्णन है, जहां पर बड़े बड़े डांस होते हैं, मक्खियां होती हैं, बड़े बड़े विषधर भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, सिंह श्याल रीछ रोज सब तरीके के पशु होते हैं, और वो भी उनको आकर के तरह तरह के कष्ट दे देते हैं, लेकिन फिर भी वह संभाव से सब कुछ सहन कर लेते हैं। आप देख रहे थे राजा अरविंद की कहानी को, जब वह सम्य शिखर की यात्रा के लिए जा रहे थे और रास्ते में बैठे थे तो उसी जंगल में वही हाथी मरुभूति का जीव कैसे दौड़ते हुए आया था। वो तो चलो कोई एक संबंध था, कोई पुण्य था, बच गए, वो शांत बैठ गया, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा होता हो कोई जरूरी तो नहीं है। कब हाथी का दिमाग खराब हो जाए, कौन सा विष बिच्छू डाल जाए, कौन सा विष सर्प काट के दे जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और कुछ नहीं है तो मक्खी और मच्छर तो कहीं पर भी छोड़ते है ही नहीं, समझ आ रहा है। एक निहार की चर्या होती है, जंगलों में जाना होता है, उतनी देर में इतने मच्छर डसते हैं, इतने मच्छर काटते हैं कि वहां से आने के बावजूद भी लगता है कि ये मुनि महाराज कैसे दिन दिन भर इन मच्छरों के बीच में जंगलों में बैठे रहते होंगे। सुन रहे हो, हम मुनि महाराज भी अभी सोचते हैं, अभी मुझे बहुत कोर्स करने बाकी हैं, अभी सब कोर्स नहीं हो पा रहे, ये तो सिर्फ थ्योरी है, इनके छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, इनके छोटे छोटे से हम अभी परीक्षण कर पाते हैं, छोटी छोटी सी हम तपस्या कर पाते हैं, लेकिन बड़ी तपस्याएं तो ये हैं जो चतुर्थ काल में होती हैं, अच्छे उत्कृष्ट सहनन के साथ होती हैं, और तरह तरह के जानवर भी जहां बैठे हों जो उनको काट भी लें तो भी उनके प्राण निकल सकते हैं, उनके शरीर में विष फैल सकता है, लेकिन वह कभी भी वहां से उठकर के कहीं पर भी भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, अपना शरीर छोड़ देंगे, और वह उस आत्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए समाधि ले लेंगे, लेकिन कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मुनि महाराज भी आज भावना करते हैं, इसलिए योगी भक्ति करते हैं, बड़े बड़े आचार्य भी योगी भक्ति करते हैं, योगियों की मुनि महाराजों की भक्ति करते हैं बड़े बड़े आचार्य भी, क्योंकि इस पंचम काल के कोई भी व्यक्ति इस तरह के योगी नहीं बन पाते, नहीं रह पाते, इस तरह के सारे परीक्षाओं को सहन करने में
कुशल नहीं हो पाते, क्योंकि ये सभी उत्तर गुण हैं, ये सभी बहुत आगे के कोर्स हैं, शक्ति अनुसार करना होता है। जब शुरू शुरू में करने की कोशिश करते थे, हर चतुर्मास का एक नियम बन गया था। जब शुरू शुरू में दीक्षा ली थी, बहुत उत्साह रहता है, बहुत कोशिश की जाती है, जो मच्छर काट रहे हैं काटने दो, जो डंस काट रहे हैं काटने दो, होता क्या था, एक नतीजा निकलता था, हर चतुर्मास में बीमार पड़ना, बुखार आना। समझ आ रहा है? ये तो एक नियम बन गया था शुरू के चतुर्मासों का, कि हर चतुर्मास में मलेरिया होना है। इंतजार करता था मैं, भाई कब आने वाला है। समझ आ रहा है? और वो मलेरिया भी खूब सहन किया आचार्य महाराज ने, तो और कितने वर्षों तक सहन किया है, इतना भी सहन किया आचार्य महाराज ने कि कटनी में, जब हम संघ में नहीं थे तब की भी लोग यादें बताते हैं कि कटनी में आचार्य महाराज को इतना तीव्र बुखार आया था, इतना तीव्र मलेरिया हुआ था कि आचार्य महाराज खुद भी बताते हैं कि वो जो थर्मामीटर होता है ना, उसको मतलब देख करके लगता था कि वो 7-8 को छूने वाला होता था। 7-8 क्या होता है, समझ आ रहा है? और आचार्य महाराज कहते हैं उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे 7वां-8वां गुरुस्थान मेरा चढ़ रहा हो। यहां तक स्थिति बन गई थी। संघ के जो लोग हैं वो बताते हैं, और उस समय पर एक पंडित जी थे जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी वाले, उनको भी आचार्य महाराज ने संकेत दिए थे, और कुछ संकेत संघ में भी होने लगे थे कि वो उस समय पर अपने आप को इतना असमर्थ समझ रहे थे कि उन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि मैं अब आचार्य नहीं हूं। समझ में आ रहा है? इतनी तक स्थिति बिगड़ गई थी, लेकिन वो स्थिति सब सुधरी समय पाकर के, धीरे धीरे श्रावकों के द्वारा किए गए उपचारों के माध्यम से और उनकी अपनी आत्मशक्ति के माध्यम से, और उस स्थिति में भी वो समय सार सुना करते थे, पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री का लिखा हुआ, उनके द्वारा पढ़ाया वो सुना करते थे, और खुद अपनी कैसेटें चला चला करके आचार्य महाराज उनके समय सार को सुना करते थे। जहां कहीं पर भी कुछ भी त्रुटि होती थी तो उस समय पर रोक भी देते थे, इतनी चेतना उनके अंदर रहती थी, और बुखार इतना तीव्र रहता था। समझ रहे हैं? ये सब होता है। साधु आज भी अपनी शक्तियों को लगा करके सब कुछ सहन करता है, लेकिन आपके लिए वह चीजें सब समझ में आ पाए कोई जरूरी नहीं है। कितने भी आप अपने लिए सुख सुविधा या किसी भी तरह की अनुकूलता जुटाने की कोशिश करें, ये परिश्रमों से साधु बच नहीं पाते हैं, इसलिए ये सभी साधुओं के लिए सहन करना अनिवार्य हो जाता है। ये क्या बोलते हैं इसको, दंश मशक परिसे। इसके आगे अंतर विषय वासना बरते बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा धर नहीं सके दीन संसारी, ऐसी दुद्धर नगन परीशह जीते साधु शील व्रत धारी, निर्विकार बालक वत निर्भय तिनके पायन ढोक हमारी, तिनके पायन ढोक हमारी। ये क्या है, इस परिसर का नाम है नग्न परिसर, नाग्न्य परिसर बोलते हैं, है ना। नग्नता भी एक परिसर है, सबके बीच में नग्न रहते हुए और निर्विकार रहते हुए जीवन निकालना, ये अपने आप में बहुत बड़ी परिचय होती है, मानसिक भी और शारीरिक भी। बहुत अच्छा ये छंद है, अलग से भी लोग इसको पढ़ा करते हैं, कई बार कवियों के मुख से भी ये सुनने को मिलता है, और ये अच्छे छंदों में एक छंद गिना जाता है कि दीन हीन ये संसारी लोग क्यों हैं, क्यों ये इस नग्न परिचय को धारण करने से डरते हैं। तो लिखा है अंतर विषय वासना वर्त है और बाहर लोक लाज भय भारी। सुन रहे हो? जब भीतर विषय वासना होगी तो बाहर बहुत लज्जा आएगी,
जैसे जैसे विषय वासना में कमी आएगी वैसे ही वैसे लज्जा को जीतने के भाव आएंगे। लोक लाज भी ऐसी रहती है कि वह भी नग्न मुनि बनने से आपको रोकती रहती है। क्या कहेंगे, क्या देखेंगे लोग, जिनके बीच में हम कभी पैंट सूट पहन करके घूमते थे, आज उन्हीं के बीच में नग्न होकर के जा रहे हैं, निकल रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्या देखेंगे लोग। छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर भीतर से ये बचपन का भाव होगा कि जैसे बच्चा होता है वह बिल्कुल निर्विकार होता है तो उसके अंदर कोई लोक लाज नहीं होती है, उसी बचपने का भाव अगर भीतर होगा तो वह निर्विकार होकर के उस नग्न परिसर को जीत लेते हैं। वह ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है जिसके माध्यम से ऐसी दुग्ध दुधर यह नग्न परिसर जीती जाती है। इसलिए जो शील व्रत को धारण करने वाले हैं वह निर्विकार बालकवत निर्भय, तिनके पायन ढोक हमारी, ये भी एक परिचय है। और इस तरह की नग्न परिचय को सहन करना और उसकी भावना आना यह भी भीतर के चारित्र मोहिनी कर्मों के क्षयोपशम होने पर होता है। अगर चारित्र मोहिनी कर्मों का तीव्र उदय होता है तो इस तरह की विषय वासनाओं से मन कभी मुक्त नहीं हो पाता और व्यक्ति कभी भी इस तरह की नग्नता को धारण कर नहीं सकता। ऐसी यह परिचय, और उसके बाद में एक और परिचय आती है जिसका नाम है अरति परिचय। क्या बोलते हैं अरति, क्या होता है? देश काल को कारण लहके होत अचैन अनेक प्रकारे, तब तहां खिन्न होए जगवासी, कलमलाय थिरता पद छारे। ऐसी अरति परीश है उपजत, तहां धीर धीरज उर धारे। ऐसे साधन को उर अंतर, बसो निरंतर नाम हमारे, बसो निरंतर नाम हमारे। अरति परिचय क्या होता है? रति नहीं होना। रति का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह, ऐसे देश, ऐसे काल, ऐसी जगह जहां पर कुछ भी अच्छा ना लगे, चैनी ना पड़े, जहां पर रुकाई ना जाए। आप कहीं भी जाते हो, कभी भी ऐसे स्थान मिल जाते हैं, भाई चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, हो गया, चैन नहीं पड़ती, अच्छा नहीं लगता, समझ आ रहा है? और मुनि महाराज के लिए ऐसे स्थान मिल जाते हैं कि जहां पर कोई आने जाने वाला नहीं होता, कहां पर कोई भी तरीके का कुछ भी अच्छा वातावरण नहीं होता, कोई भी चैन कुछ होता ही नहीं, ऐसे भी वातावरण मिलते हैं तो भी उनको उस वातावरण से कभी अरति नहीं आती। अरति का मतलब अच्छा नहीं लग रहा, खेत खिन्न होना, दूर हटना, भाग जाना। ऐसा नहीं समझना कि जैसा आगरा में चल रहा है वैसा 20 साल से ऐसे ही चलता चला आ रहा था, समझ आ रहा है? तरह तरह के समय होते हैं, तरह तरह के उस समय पर देश काल की परिस्थितियां बनती हैं, और हर परिस्थिति में अपने मन को संभालना, क्योंकि हर दिन सब कुछ साथ में नहीं होता है, हर दिन सब लोग साथ में नहीं होते हैं, हमेशा ऐसे शहरों में ही हमेशा रहना नहीं होता है। तरह तरह के गांव होते हैं, वन होते हैं, जंगल होते हैं, जब विहार करते हैं तब भी तरह तरह के स्थान पड़ते हैं, और कभी कभी ऐसी भी स्थितियां बनती हैं जब साथ में एक दो व्यक्ति भी नहीं होते, समझ आ रहा है? तब भी अरति परिचय को धारण करने वाले मुनि महाराज किसी भी देश काल की परिस्थिति से अरति भाव मन नहीं लाते, और यही जब भावना रहती है तब वे मुनि महाराज सोचते हैं, हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं। क्या सोचते हैं? ये भी आपकी ब्रज भाषा में लिखा हुआ एक भजन है, हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं, गिरि मशान गुह कोटर मझे, गिरि मशान गुह
कोटर मझे बिन मालिक बिन सोधी सज्जे दोस रहित बसती में बस कर दोष रहित बसती में बस कर निज मस्ती में मस्त ही रह हूँ हे प्रभु कब मैं सो मुनि बन हूँ हे प्रभु कब मैं सो मुनि बन हूँ। सो मुनि माने ऐसा मुनि जो सब प्रकार के परीक्षाओं को जीतने की सामर्थ्य लाए और हर कष्ट को भी सहन करने के बाद में भी आत्म आनंद में लीन रहें, ऐसी अभी भी प्रार्थना करनी पड़ती है क्योंकि आगे का कोर्स अभी बहुत बाकी है। लेकिन जब तक हम छोटे छोटे भी कोर्स पूरे नहीं करेंगे तब तक बड़े बड़े कोर्स कैसे हो पाएंगे। पहले सर्टिफिकेट कोर्स होता है, फिर डिग्री कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, फिर डिग्री कोर्स होता है। सुन रहे हो, कुछ कर रहे हो? अरहम ध्यान योग का भी एक सर्टिफिकेट कोर्स चलता है, फिर अगर आप वो कर लोगे तो फिर आपको डिग्री कोर्स भी करने को मिलेगा। कोर्स तो धीरे धीरे बढ़ते हैं और इस तरह के कोर्स आगे बढ़ते चले जाएं और हम उन सब कोर्सों में अपने आप को उत्तीर्ण करते चले जाएं, ऐसी जो भावना करते हैं वही जीव ऐसी नग्न आदि परीक्षाओं को सहन करके अरति आदि परीक्षाओं को सहन करके परीक्षा के जेता बनते हैं। और उन्हीं मुनि महाराजों के माध्यम से ये ग्रंथ जो आज आप देख रहे हो, यहां ताजगंज के लोग बैठे हैं, हमें ग्रंथ दिखाने ले जा रहे हैं, हमको ग्रंथ दिखाने ला रहे हैं। ग्रंथ में क्या देखना है भाई? ग्रंथ में जो लिखा है वो देखने की कोशिश करो, ग्रंथ को क्या देखोगे? और अगर आपको ग्रंथ देखना है तो पहले निर्ग्रंथ को देखने की कोशिश करो, आपको ग्रंथ दिखाने की जरूरत क्या है? जिस आगरा की शान और बान पर आप इतना इतराते हो, क्या आप इतराते हो? आपके लिए चाहे वो ताजगंज हो, चाहे वो ताजमहल के सामने का स्थान हो, आपको तो ये सोचना चाहिए कि इन पंडितों को कौन जानता है, इन पंडितों के लिखे हुए ग्रंथों को कौन पढ़ता है। अगर आज ये ग्रंथ आपकी आगरा में पढ़े जा रहे हैं तो आपको इस बात पर इतराना चाहिए कि जो ग्रंथ हमने अपने घरों में अपने मंदिरों में बंद करके रखे हैं वो आज इस आगरा में खुल रहे हैं, उनके पन्ने पढ़े जा रहे हैं। आपको इस बात का आश्चर्य और इतराना होना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप एक दिन आए, आप अपने ताजगंज का परिचय दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर पंडित बनारसी दास जी ने समय सार लिखा है तो उन समय सार को जीवंत जीने वाले अगर हमारे सामने हैं तो पहले हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए और उनके पास में बिना बुलाए भी आना चाहिए। जो शैलियां यहां आई हैं, अभी तो आई हैं, एक एक बार बुला बुला करके आई हैं, शायद इन लोगों ने एक 10-11 दिन का प्रोग्राम बनाया था, कल 15 तारीख है और सब पोस्टरों पे लिखा हुआ है कि 11-15 तारीख को कथा समाप्त हो जाएगी। अब कल से क्या होगा यहां, ये शैलियां कहां मिलेंगी? सभी से कह देना, सभी को समझा देना कि एक बार तो हम पंचों ने आपको बुलाया था, अब अगर आप मुनि महाराज को अपने यहां पर बुलाना चाहते हो तो एक बार अपने अपने मन से आओ यहां पर, और उसके बाद में फिर मैं आगरा की एक एक शैली में जाऊंगा और आपको मन चाहा लाभ दूंगा, ये उनको बता देना। लेकिन ये 11 दिनों का आना मैं आना नहीं मानूंगा। अब जो आगे के दिन आ रहे हैं उनमें चेहरे देखूंगा कि कौन आ रहा है, कौन अपने मन से आ रहा है। यहां से मेरी फिल्म अब शुरू हो रही है जहां पर आपकी खत्म हो रही है। आपने अपनी फिल्म तो पूरी कर ली है, मैं अब अपनी फिल्म शुरू कर रहा हूं। यहां से मेरी अब शुरू होगी और ये फिल्म कितने रील की चलेगी कुछ नहीं कह सकता। समझ आ रहा है? बड़ी फिल्म कितने रील की होती है? 22 रील की, 28 रील तक की, 26 रील तक की फिल्में हुआ करती हैं।
ये कितने भी दिन चल सकती है, बस आपके मन में ये होना चाहिए कि आज हम अब अपनी इच्छा से जा रहे हैं। अभी तो हमें हो सकता है कि परिषद ने बुलाया, सभा ने बुलाया, अब हम परिषद की में खुद जाएंगे और मुनि महाराज की परिषद में जाकर के बैठेंगे, मुनि महाराज की सभा में जाकर के बैठेंगे। ये भाव आप लोगों के अंदर अगर अब आएगा तो हम समझेंगे कि हाँ, आप में वास्तव में भीतर से कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भाव आप ध्यान रखना, जितनी भी आपके यहाँ की शैलियां हैं, मंदिर हैं, सब में ये भाव पहुंचाना और इसी भाव के अनुसार कल भी यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण होगा। यहाँ पर आपको सम्मेलन शिखर की जो वास्तव में रचना, इतनी विशाल रचना पहले भी मैंने कहीं नहीं देखी, ये यहाँ पर इतनी विशाल रचना बनी हुई है और इस विशाल रचना में भी बैठकर के पारसनाथ भगवान की ही हम कथा करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, आपको कल भी ये कथा सुनने को मिलेगी। बोलो पारसनाथ भगवान की। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः। सभी लोग थोड़ी देर बैठेंगे, यहाँ के संचालक कुछ कल की तैयारी के लिए आपको कुछ बताएंगे, सुन के जाना है। बोले परम पूज मुनि श्री प्रणम में सागर जी महाराज की। मित्रों, कल जैसा कहा गया, कल भगवान